ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कंसेप्ट प्लस पी वाई क्यू, कंसेप्ट प्लस पी वाई क्यू। हालांकि इसके पहले आपको बहुत सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोज़ और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और वन शॉट मिल चुकी है, फिर भी मैं आपको आज कंसेप्ट मैप के साथ एक इंड गेम खेलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जब कंसेप्ट मैप को देखते हैं तो हमको सबसे पहले जानना होता है इसकी डिफिनेशन, फिर हमको जानने पड़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके जो दो मोड्स होते हैं। एसेक्सुअल के अंदर आ जाता है फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर फिजर के अंदर जाते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं बाइनरी फिजन है, और बाइनरी में भी देखते हैं कि डिवीजन इन एनी प्लेन हो जाता है, और मल्टीपल फिजन देखते हैं तो मल्टीपल फिजन में किसी भी टाइप का डिवीजन हो सकता है, लेकिन बाइनरी में स्पेसिफिकली डिवीजन इन सिंगल प्लेन और एनी प्लेन हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज देन आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देन आफ्टर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स का देखते हैं कि प्लांट्स के फ्लावरिंग पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एंड देन आफ्टर हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं, कार्पेल देखते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन को समझते हैं, और पॉलिनेशन में भी दो टाइप की पॉलिनेशन होती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होती है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है। ये सबको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं बता देता हूँ। सेल्फ में खुद से पॉलिनेशन हो जाता है एक ही फ्लावर में, और क्रॉस में अलग अलग फ्लावर की। फिर फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन भी दो टाइप से होते हैं, एक पोस्ट होता है, एक प्री फर्टिलाइजेशन होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चेंजेस होता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनना, ओवरी वॉल से फ्रूट बनना, ओवरियोल से सीड बनना। अब देखो ये तो यहाँ तक की काम थी, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल मेथड होते हैं। फिर देन आफ्टर इतना करने के बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं, जिसके अंदर एक मेल का पार्ट होता है, एक फीमेल का पार्ट। मेल के कुछ जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफेंस, मैमिनल वैजाइका, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, ये सब हम क्लास टेंथ लेवल पे डिस्कस करते हैं। ओवरी, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। फिर हम लोग लास्टली हम लोग बर्थ कंट्रोल मेजर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। बेरियर मेथड्स को पढ़ते हैं, केमिकल मेथड्स को पढ़ते हैं, सर्जिकल मेथड्स को पढ़ते हैं, और एक चाइल्ड होता है फीमेल फर्टिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड जो है हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो उसको भी एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये चैप्टर जो है क्रिस्प क्लियर हो जाए, और इसमें किसी भी टाइप की कोई भी एक भी टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए हमें। तो चलिए देखो रिप्रोडक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, ये कंसेप्ट मैप है। ये कंसेप्ट मैप आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा का पूरा पीडीएफ अलाउड कर पाऊंगा, ताकि आप एग्जाम के टाइम में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको जो है मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो जब से ही हम लोग आते हैं हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में, तो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में हमको पढ़ना पड़ता है रिप्रोडक्शन का, है ना, डेफिनेशन। देखिए भैया रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी समझाया, अभी भी फिर से समझाता हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जैसे इंडिविजुअल को, अपने जैसे सिमिलर इंडिविजुअल को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूटी जो है लाइफ की वर्ल्ड पे बनी रहे। रिप्रोडक्शन करना ही क्यों जरूरी है, वो इतना एसेंशियल भी तो नहीं है। तो रिप्रोडक्शन व्हाई इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी इसलिए ताकि कंटिन्यूटी जो भी है लाइफ की, जो भी अर्थ पे जो कंटिन्यूटी चलती आ रही है उसके लिए वो बनी रहे। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रोसेस आवर रिप्रोडक्शन, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या था भैया, तो रिप्रोडक्शन क्या था, एक ऐसा प्रोसेस था जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को, है ना, मान लो ये चिंटू है, तो चिंटू के दो मदर फादर होंगे ना, जिससे बन करके आया है ये, है ना। तो ये क्या हो रहा है कि अब ये चिंटू की किसी से शादी होगी, फिर उसके आगे कोई मिंटू बनेगा, और उसकी भी किसी से शादी होगी, फिर ऐसे करके कोई चिंकी बनेगी, और ऐसे ही आगे तक प्रोजेनी चलती जाएगी, कहीं पे दो हो जाएगा, कहीं पे तीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेनी एक जैसे दो तीन चार पाँच पैदा कर सकते हैं, है ना, कितने भी। तो ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें करी जा रही है ताकि कंटिन्यूटी जो है लाइफ की वो अर्थ पे बनी रहे, और कंटिन्यूटी जो है ख़राब ना हो अर्थ पे, है ना, ख़राब ना हो कंटिन्यूटी अर्थ पे। चलिए अब देखिए क्या बोले, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन्स डीएनए विच इज हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेट फॉर्म ए न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशन, सो दीज न्यू सेल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल। एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ोगे स्टूडेंट, तो वहाँ पे वेरिएशन के बारे में पूछा जाता है, है ना। तो देखो वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि हमको पता है कि हमने हेरिडिटी इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है कि डीएनए क्या होता है, डिक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में एक हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जीन प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट, और जीन के कारण जो कैरेक्टर ट्रेट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, यही डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, फॉर्म करता है न्यू सेल और वेरिएशन को पैदा करता है, ठीक है। ये सेल जो है सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि मदर और या फादर से वो मैच तो कर रहा है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है। मदर फादर से वो मैच कर रहा है, लेकिन वो उसकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं होती है, ठीक है। चलो तो वेरिएशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वेरिएशन क्या है भैया। तो वेरिएशन इज नथिंग बट, वेरिएशन इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है ना, कि जो भी डीएनए के प्रोसेस में जो भी एरर आते हैं उसके कारण जो भी चेंजेस लीड करता है वो वेरिएशन है।
और वेरिएशन क्या है, यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ओवर द टाइम एज वेल एज बेसिस ऑफ इवोल्यूशन का भी बेस वेरिएशन ही है। और ये क्या करता है, सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल का ये कंटिन्यूटी को जो है मेंटेन करके रखता है ना, अर्थ पे वो कंटिन्यूटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये बात है वेरिएशन की, है ना। हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर में, इवोल्यूशन चैप्टर में हमने इसको अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। पर जब हम लोग, हमको पता है दोनों चैप्टर एक साथ इंटरलिंक्ड है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसीलिए पढ़ते हैं ताकि वो भी चैप्टर हमको अच्छे से समझ में आ जाए, उससे पहले पढ़ते हैं हम लोग इसको, है ना। तो यहाँ से हम लोग मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं कि डीएनए कुछ होता है, डीएनए के कुछ क्रोमोजोम्स होते हैं। तो अभी मैं ये क्रोमोजोम सेगमेंट वगैरह क्या है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं जिसके 23 पेयर होते हैं ना, 23 पेयर होता है। ठीक है, और 23 पेयर में जो है 22+1 होता है, यानी कि 22 तो जो है ऑटोसोम्स होते हैं जिसमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है, ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 जो है वो क्या होता है, सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है एक ही उसमें से। ठीक है, आपको पता है। और उसी में क्या करता है, यही जो है यही क्या करता है, जब क्या करता है, जब क्या करता है, जो भी करेक्टर है, जो भी ट्रेट है, वो उसको ले जाने का काम करता है, क्योंकि इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है आपका स्पेशल सेगमेंट जिसको आप डीएनए या जीन के कहते हो। ठीक है, अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाए तो सबसे पहला है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक जहाँ पे सिंगल पेरेंट जो है नए इंडिविजुअल को जरूरत के अनुसार क्या कर सकता है, जन्म दे सकता है। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसा कि हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स पे बात करें यहाँ तो दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, बट इन द केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ नीड नॉट टू बी, है ना। वहाँ जो है क्या होता है, वहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल जो है सेक्सुअल में दे सकता है बट, लेकिन सेक्सुअल में नहीं दे सकता है। जैसे कि अगर बात करें अमीबा की, अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ये अपने ही जैसे एक दूसरे अमीबी को फॉर्म कर सकता है, ये अपने ही जैसे दूसरे अमीबी को ईजिली क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है ना। चलिए, अब बाय किस प्रोसेस से वो फॉर्म कर सकता है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। हालांकि वो क्या है, बाइनरी फ्यूजन है, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन का डेफिनेशन आप मुझे कमेंट्स में बता देना, है ना। बाइनरी फ्यूजन का डेफिनेशन कमेंट्स में बताओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी और अगले सेशन में मैं आपका नाम भी ले लूँगा, ठीक है। चलिए, अभी जो है नेक्स्ट थिंग है, गैमिट आर नॉट फॉर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल पेरेंट, न्यू इंडिविजुअल जो है आइडेंटिकल पेरेंट होता है, एकदम सिमिलर पेरेंट की तरह दिखता है, या कार्बन कॉपी देखने को मिलता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कार्बन कॉपी नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कार्बन कॉपी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत यूज होता है, और सिर्फ ये लोअर ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वगैरह में आपको ये देखने के लिए इजिली नहीं मिल पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट क्या है, जरूरी है ना, तभी जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर पाएंगे, फॉर्म कर पाएंगे। तो ऑफस्प्रिंग्स को फॉर्म करने के लिए टू इंडिविजुअल्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है। चलो, तो वहाँ पे एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, और फिर क्या होता है, वाइफ मदर और फादर एक मेल और फीमेल मिलकर के एक न्यू इंडिविजुअल को वहाँ क्या कर पाते हैं, राइज कर पाते हैं ना। यहाँ पे गैमिट्स की जरूरत पड़ती है, इस सेक्शन में गैमिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्रोमोसोम्स और डीएनए की कब बात करते हैं हम लोग, जब जनरली हम लोग स्पेसिफिक जब हम लोग वेरिएशन की बात करते हैं, और वेरिएशन किस में देखने को मिलता है, इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल है ना वो जेनेटिकली सिमिलर तो होता है, लेकिन आइडेंटिकल कार्बन कॉपी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मदर फादर की तरह दिखता तो है लेकिन कार्बन कॉपी नहीं है, वो कार्बन कॉपी बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस बात का अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान देंगे और अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे। इट इज़ यूजफुल टू जेनरेट मोर वेरिएशंस इन स्पीसीज, ये क्या करता है, जनरेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन स्पीसीज में, ये अडॉप्ट किया गया है हायर ऑर्गेनिजम्स में। तो अब जो है, अब थोड़ा इन डेप्थ में अगर थोड़ा पढ़े, ठीक है, आप कहोगे कि इन डेप्थ में क्या पढ़ा रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ऊपर भी बहुत बच्चों का भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वन शॉट में जो है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना हमारा काम है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला आता है फिजन। तो फिजन क्या है, कैसा ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, पेरेंट सेल डिवाइड कर देता है दो डॉटर सेल में, यहाँ पे दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा तो क्या है, बाइनरी फिजन, और ज़्यादा डॉटर सेल में होगा तो मल्टीपल फिजन। तो क्या देखिएगा, फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो है बॉडी से जो है क्या करते हैं, जो टूट करके जो दो ऑर्गेनिज्म न्यू फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, फिजन के अंदर आता है, ठीक है। एंड फिजन रिजल्ट टू डॉटर सेल, वहाँ पे टू डॉटर सेल होता है तो वो बाइनरी फिजन है, और जब बहुत सारे डॉटर सेल्स है तो वो मल्टीपल फिजन है, जैसे कि प्लाज्मोडियम में बाइनरी फिजन, पायरामीशियम, अमीबा, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाता है। देख लो,
ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक अमीबा है। इसका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है न्यूक्लियस का। क्या हो रहा है यहाँ पे, इलॉन्गेशन हो रहा है न्यूक्लियस का, इलॉन्गेशन न्यूक्लियस का हुआ, फिर इलॉन्गेशन साइटोप्लाज्म का हो रहा है, फिर क्या हुआ कैरियोकेनोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, कैरियोकेनोसिस होता है। तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाता है, कैरियोकेनोसिस के तहत न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाता है, फिर साइटोकेनेसिस के तहत क्या होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के दो न्यू सेल्स जो है अमीबा के दो बन के आपके पास तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, तो फ्रेगमेंटेशन इज नथिंग बट फ्रेगमेंटेशन एक और टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म ब्रेकअप कर जाते हैं स्मॉल पीसेस में मैच्योर हो जाने के बाद, और एक हर पीस जो है न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। स्पायरोगायरा जो है इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। देखो ये है आपका स्पायरोगायरा, ठीक है, मैं आपके लिए क्लियर पिक्चर भी लेके आया हूँ। ये क्या है आपका स्पायरोगायरा है, और इस स्पायरोगायरा में क्या हो रहा है देखो स्टूडेंट्स, ये देखो स्पायरोगायरा है, ये देखो ये इसके फ्रेगमेंट्स टूट गए, ठीक है, और फ्रेगमेंट टूट करके ये क्या बन गया, दो नए स्पायरोगायरा में फॉर्म हो रहा है। देख लो ये पूरा का पूरा ऐसा स्पायरोगायरा होता है, स्टेप्सिस में क्या रहता है न्यूक्लियस बना हुआ रहता है, स्टेप्सिस स्पायरोगायरा न्यूक्लियस, और जैसे जैसे ये फ्रेगमेंट्स में टूटते जाएगा एक नया इंडिविजुअल आपको बनते जाएगा, जैसे जैसे फ्रेगमेंट्स में टूटते जाएगा एक नया इंडिविजुअल बनते जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी इजी। तो ये क्या होगा फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। रीजनरेशन इफ एन ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कटन और ब्रोकन मेनी पीस में, तो हर एक पीस उसका एक ग्रो कर जाएगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लानेरिया हाइड्रा ये सारे में। तो यानी कि जितने पीस में काट दो स्टूडेंट, देखा है कभी तुमने देखा होगा कि क्या होता है ना, प्लानेरिया जो भी होता है वॉर्म टाइप का होता है, उसको कितने भी पीसेस में काट दो वो नया सा एक नया जन्म ले लेता है। ठीक है, तो उसको कितने भी पीसेस में काट दो, मुंडी काट दो तो मुंडी से एक नया प्लानेरिया, पीठ से काट दो तो पेट से एक नया, पैर से काट दो तो एक नया प्लेन एरिया। ठीक है, हाइड्रा में भी कुछ ऐसा ही होता है, हाइड्रा में भी क्या होता है इस टाइप से ही आपको फॉर्म करके आपको मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब ये इतना कंप्लीट हो गया, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए, अब आप इसका आंसर दे सकते हो, जितना पढ़ाया है उसी के बेसिस पे दिया है। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, तो बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। अब बोलोगे सर अपने बनाने के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, सिंपल सा बात है भाई, प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही होगा, है ना, डॉग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता होगा, ईस्ट में नहीं होता, अमीबा में नहीं होता, तो थ्री एंड फोर्थ लगाइए ना महाराज, ये थ्री फोर्थ आप लगाइए। ठीक है, थ्री फोर्थ आपका ये सही होगा। अब बोलोगे बनाना कैसे, वो प्लांट है सेक्सुअल होना चाहिए, नहीं उसमें भी फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो थ्री फोर जो आपका राइट हो जाएगा, बी बी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बी आपका यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको लगाइए और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत ही इजी सब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ, क्यों होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा उसमें जो है ज़्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है उनके बीच में, ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, और ये जो है कोई भी इन्वॉल्व नहीं करता है गैमीट को, तो वन एंड टू जहाँ भी होगा वहाँ पे आप आंख बंद करके टिक लगा दीजिए, बाकी को मत देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, जो एबिलिटी है सेल की वो डिवाइड करना सेवरल सेल्स में रिप्रोडक्शन के टुवर्ड्स, जो कि प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते हैं, बट उसको ये जरूर बोलते हैं दैट इज नथिंग बट मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम देखिएगा, प्लाज्मोडियम इस टाइप से होता है, लीवर सेल पर अटैक करता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा इससे करके ऐसे निकल जाएगा। अमीबा के भी केस में होता है अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन करेगा, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी अब कर ही लो। कैन यू कंसिडर सेल डिवीजन एज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जी वन रीजन, आप क्या कंसिडर कर सकते हो कि सेल डिवीजन जो एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में देखा हुआ है, फ्रेगमेंटेशन में भी देखा हुआ है कि सेल डिवीजन जब कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, साइटोकाइनेसिस हो रहा था, उससे जाकर के एक यूनिसेलुलर से एक जाकर के एक पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसका आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखिए कमेंट्स में, आपका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट इज अ क्लोन, व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी, क्लोन क्या होता है, क्लोन क्या होता है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मिलता है ना, व्हाई डू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय एसेक्सुअल मोड एग्जिबिट रिमार्केबल सिमिलैरिटी, क्योंकि उसमें जो है एक तो गैमेट्स की इन्वायरमेंट नहीं होती है और एक ही पेरेंट्स होता है और वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा लेस होता है इस कारण से। अब क्या बोले नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलोनीज ऑफ ईस्ट फेल टू मल्टीप्लाई इन वाटर बट मल्टीप्लाई इन शुगर सेल, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन जो है उसका क्या होता है फेवरेबल कंडीशन होता है, जो भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसको शुगर सॉल्यूशन में मिलता है जो भी रेप्लिकेट करने के लिए, इसलिए वो वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए असर्शन नीजर टाइप के क्वेश्चन है,
असेक्सुअल रीजन टाइप के 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है असेक्सुअल रीजन टू, लेकिन दोनों का जो है क्या होता है, ठीक है, तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है, आप मुझे असेंशन रीजन का भी आंसर दे दीजिएगा। अभी मैं बढ़ जाता हूँ बडिंग पे, बडिंग जो है, अब उतना कंसेप्ट क्लियर हो गया तब बडिंग पढ़ते हैं। तो बडिंग कुछ भी नहीं है, बडिंग क्या है, बायोलॉजी के टर्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में, एक इंडिविजुअल जो है बड फॉर्म करके, एक आउट ग्रोथ फॉर्म करके, आउट ग्रोथ अपने बॉडी पे फॉर्म करके, आउट ग्रोथ एक अपने बॉडी पे फॉर्म करके, जैसे कि इस हाइड्रा में देख सकते हो यहाँ पे आउट ग्रोथ फॉर्म करके जो एक नया इंडिविजुअल बाद में बन जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बडिंग करते हैं। एक बड निकल जाता है और बड जो है बाद में निकल करके कट करके एक नए इंडिविजुअल में चला जाता है और वही क्या कहलाता है, दैट इज आवर बडिंग, वही क्या है हमारा बडिंग है। देखो हाइड्रा है, ग्रोथ हुआ बड का, बड डेवलप किया माउथ और टेंटिकल्स में, याद रखिएगा ये जो इसका बाल जैसा, ये जो चुड़ैल जैसा बाल लग रहा है, ये इसका टेंटिकल्स है और ये जो है ये क्या है, दैट इज माउथ यहाँ से, ठीक है, ये टेंटिकल्स है, ठीक है। बड डी अटैच पैरेंट और एक नया हाइड्रा वहाँ पे तैयार हो जाता है ना। ईस्ट में भी बडिंग आपको देखने को मिलता है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके इससे क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट में, इन विच वेजिटेटिव पार्ट लाइक स्टीम रूट्स और लीफ जो है डेवलप कर जाता है एक नए प्लांट में और एक नए फ्रूट है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि अगर फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट जिसको आप स्टीम रूट या लीफ बोलते हैं वो क्या करता है, डेवलप कर जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये कंसिडर्ड किया जाता है एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज लॉन्ग एज वन पेरेंट इज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब जो मेन एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का वो है कि न्यू प्लांट जो है कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ ओनली वन पेरेंट, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है ओनली एक पेरेंट का होता है, सो जो यार इसेंशली क्लोन्स ऑफ वन पेरेंट है ना, ये क्लोन्स होता है एक दूसरे के क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट्स हो रहा है ना, यहाँ पे एक ही पेरेंट है। चलिए, दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन कंसिस्टेंसी क्वालिटी ऑफ द जो भी प्लांट है और क्रॉप्स है उसका कंसिस्टेंसी या क्वालिटी, यानी कि आपको गेहूं के खेत में गेहूं मिलेगी चावल नहीं मिलेगी, ऐसा वो क्या करता है खुद को मेंटेन करके रख पाता है। आलू के खेत में आलू ही मिलता है, वीड्स वगैरह मिल जाते हैं वो अलग बात है, या गलती से अगर प्याज वगैरह रह गया तो वो उग जाते तो अलग बात है, ठीक है, बट कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन रहती है और प्योरिटी। प्रोसेस बहुत ही हेल्पफुल है प्लांट्स में लॉस्ट कैपेसिटी और प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है, जहाँ पे अगर लॉस हो गया है सीड प्रोड्यूस करने का प्लांट में और कैपेसिटी वगैरह, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो रूट से देखोगे तो रूट जो है, रूट आलू जो है स्टेम है स्टूडेंट्स, आलू स्टेम है, ब्रायोफाइलम का लीव डेवलप करता है और रूट जो है, रूट आपका जिंजर प्याज ये सारी चीजें है ना। चलिए नेक्स्ट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा रिप्रोडक्टिव मेथड है जहाँ पे क्या होता है, क्या करता है, जो एक कैपेबल होता है, एक सेल कैपेबल होता है विदाउट फ्यूजन विद अनदर रिप्रोडक्टिव सेल, स्पोर के थ्रू वो क्या करेगा, नए नए क्या करता है जो है ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा, जैसे कि बैक्टीरिया फंजाई। आपने राइजोपस फंगाई की बात की होगी, राइजोपस की बात हमने पहले भी की है, वो ऐसा ही कुछ रहता है, वो हाइफे को बना देता है, ये देखो स्पोरेंजिया यहाँ पे गिरा, ये स्पोर्स यहाँ पे गिरेगा फिर एक नया स्पोरेंजिया निकलेगा ये हाइफे के द्वारा, यहीं से फिर ऐसे करके ये ब्रेड मोल्ड वगैरह पे आपको ये देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन है ना। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था भैया, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाते जाते फिर बता देता हूँ कि फिजन था, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन था, विजिटिव प्रोपगेशन था, रीजनरेशन था और स्पोर फॉर्मेशन था। फटाक से एक बार फिर से सबका एग्जाम्पल और सबका मेथड बताता हूँ। फिजन क्या था, दो टाइप से बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन था, लॉन्गिट्यूडनल और क्या होता है ट्रांसफर्स, यहाँ पे बाइनरी फिजन देखने को मिला अमीबा के अंदर प्लाज्मोडियम के अंदर। बडिंग क्या था, बडिंग ब्रड एक आउट ग्रोथ निकल करके नया हो जाता था हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता था। रीजनरेशन किसी भी बॉडी पार्ट को काटो नया बॉडी पार्ट में वो रीजनरेट हो जाएगा, नया बॉडी पार्ट में वो रीजनरेट हो जाएगा, जैसे कि हमने क्या बात की थी प्लानिडिया की, यहाँ पे हमने बात की थी प्लानिडिया की, स्पोर फॉर्मेशन में हमने बात की थी, राइजोपस फंगाई की, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने बात की थी। हाँ देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कटिंग आर्टिफिशियल मेथड जान लो, कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग, लेयरिंग ग्राफ्टिंग ये बहुत ही इजी है, कटिंग लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में दोगे, ठीक है, बहुत ही इजी है, इन तीनों का आप आंसर मुझे कमेंट्स में दे देना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया था कि फ्रेगमेंट्स में वो टूट करके नए इनवर्टेड डिवीजन में तब्दील हो जाते हैं है ना।
चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स का यूज होता है, दो पेरेंट्स का जरूरत होता है, दो सेक्स के कॉम्बिनेशन से एक नया पेरेंट्स बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो गैमिट जो है हैप्लॉइड हो जाता है और देन जो है जैगोट का फॉर्म होता है जो कि डिप्लॉइड होता है, फिर जो है डेवलप हो जाता है जैगोट एक न्यू इंडिविजुअल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डोमिनेंट होता है लिविंग बींग्स में, हायर ऑर्गेनिजम्स में ये क्या है डोमिनेंट है। यहाँ क्या हो रहा है जीन्स मिल रहे हैं, डीएनए मिल रहा है, गैमिट्स मिल रहा है, एक नया सेक्स फॉर्म हो रहा है और क्या हो रहा है एक दैट इज क्या हो रहा है यहाँ पे एक नया इंडिविजुअल इजली फॉर्म हो रहा है। ठीक है चलो, व्हाट आर द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, मोड क्या है अभी डेफिनेशन समझ में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो आप इसका डेफिनेशन लिख देना। अब क्यों जरूरत है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ये सबसे पहले जानिए व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोर रिलायबल होता है वेरिएशन के द्वारा, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉपी होता है डीएनए का, है ना, दो पेरेंट से डीएनए आता है, मदर का क्रोमोजोम अलग फादर का क्रोमोजोम अलग होता है, सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन है अमंग पॉपुलेशन में, है ना, ये गिव करता है राइज करता है न्यू इंडिविजुअल को अडेप्ट करने में इन्वायरमेंट में, है ना, हेल्प करता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज कि वो स्पीसीज में जिंदा रह पाए, हेल्प इन इवोल्यूशन जैसे कि हम लोग इवॉल्व करके आए बंदर, तो वो कैसे होता है वेरिएशन से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसलिए तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेयोसिस जो है जनरेट करता है जेनेटिक वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग, बिकॉज जो भी प्रोसेस है वो रैंडमली शफल कर देता है जीन में अक्रॉस द क्रोमोसोम्स, और रैंडमली क्या करता है सेपरेट करता है हाफ ऑफ दोज क्रोमोसोम्स इनटू ईच गैमेट व्हिच फ्यूजेस विद न्यू ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म जायगोट। याद रखिएगा लोअर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, तो उसकी बचने की चांसेस कम रहती है। हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्या है दैट इज़ हम लोग ह्यूमन बींग्स में है भैया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भैया, ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो चुका है, कोई बात नहीं पेज आप लोग एडजस्ट कर लोगे। चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के थ्रू, है ना, जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर होता है, बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, पेटल्स वगैरह कलर क्या इंसेप्ट करने का अट्रैक्ट करने का काम होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट में जो है फ्लावर जो है उसमें भी नॉन सेक्सुअल पार्ट होता है और सेक्सुअल पार्ट होता है। नॉन सेक्सुअल पार्ट जो कि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का काम करेगा पॉलिनेशन के लिए, सेपल पेटल है ना, पंखुड़ी जिसको बोलते हो, मेल स्टेमेन और पिस्टिल जिसमें ओवरी स्टाइल स्टिग्मा और एक जगह फिलामेंट और एंथर आपको देखने के लिए यहाँ पे इजिली मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है इजिली आपको फिलामेंट देखने के लिए मिल जा रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे, तो आगे अगर जाते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलता है कि यूनिसेक्सुअल एक फ्लावर है और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में फ्लावर विच हैव ओनली वन सेक्स उसको क्या बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों मेल और फीमेल ऑर्गेन होंगे उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल में ओनली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है और बाइसेक्सुअल में आइदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा या फिर क्या हो सकता है दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन या फिर दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। यूनिसेक्सुअल में जो है सिर्फ क्रॉस होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का कोई भी बात नहीं है। पपाया का फ्लावर, वाटरमेलन ये सारे यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल हिबिस्कस मस्टर्ड प्लांट्स ये सारे क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो टेबल जैसे ही एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। मेल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टेमेन बोलते हैं, जिसको कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट कंसिस्ट करता है मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट को। एंथर प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पिस्टिल बोलते हैं जो कि स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को कंटेन करता है। स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को क्या करता है वो कंटेन करता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, देन ये वाला पार्ट स्टाइल एंड देन ये वाला पार्ट ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। तो आपको पता है कि स्टूडेंट्स ये क्या है, ये आपका अब मेल पार्ट है ना, ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट में ये आपके अंदर पोलन ग्रेन्स, ये आपका एंथर, ये वाला पार्ट आपका एंथर, ये पूरा पार्ट स्टेमेन, और स्टेमेन के अंदर एक आ जाता है ये नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये पिस्टिल या कार्पिल जिसको बोलते हैं, और ये क्या आपका दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जिसको स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में क्या है देख लो, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि ये जो पार्ट है वो एंथर है, ये आपका पार्ट फिलामेंट है, दोनों को मिलाकर के स्टेमेन, ये जो है पिंक पिंक पार्ट जो है सुंदर वाला पार्ट पेटल जो कि नॉन है, ये सेपल है, ये थैलेमस है, ये ओवरी है, ओव्यूल उसके अंदर है, पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टिग्मा ये है, ठीक है, स्टाइल, स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है ताकि उसके ऊपर जो है पोलन ग्रेन्स आकर के चिपक सके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया, ठीक है। चलिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल समझा दिया है, ये सारी चीज़ें समझा दी गई हैं आपको,
पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़े हो तो। पॉलिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो रहा है, उसी को कहते हैं पॉलिनेशन स्टूडेंट्स। एंथर टू स्टिग्मा जहाँ हो रहा है वहाँ पॉलिनेशन है। अब दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। दो टाइप के, एक सेल्फ भी होगा एक क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर होगा पॉलिन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलिन ग्रेन्स का हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ऑफ द सेम फ्लावर के ऊपर। सेम फ्लावर है देखो, और उसी के अंदर ये देखो ये सेम फ्लावर है, ठीक है, जैसे कि हिबिस्कस में होता है सेम फ्लावर है, और यहीं से यहाँ पे गिर गया पॉलिन ग्रेन्स और यहाँ से नया पॉलिन ट्यूब डेवलप होकर के नया बन गया, ये क्या हो जाएगा, ये दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर में, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, दैट इज उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख सकते हो एंथर फ्लावर, ये देख रहे हो ये स्टिग्मा, ये एंथर है ना, ये यहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स का यहाँ पे एक्सचेंज आपको देखने के लिए इजिली यहाँ पे मिल जा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ये समझ के रखिए और ये सीख के रखिएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है स्टूडेंट, तो क्रॉस पॉलिनेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दूसरे प्लांट से दूसरे के ऊपर जाता है। अब इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स जो है ये बायोटिक और बायोटिक एजेंट्स होते हैं, ये बायोटिक भी हो सकते हैं और बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं। बायोटिक में जैसे कि आप बात करो कि लिविंग कॉम्पोनेंट जैसे बीज हो गए है ना, भौरे वगैरह हो गए है ना, ए बायोटिक कॉम्पोनेंट में हो जाएंगे आप बटरफ्लाइज हो गए, यहाँ पे ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स में आपका वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए फर्टिलाइजेशन समझते हैं स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे समझते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है स्टूडेंट, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन कर दीजिए मेल और फीमेल गैमेट्स का टू फॉर्म जायगोट, उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो मेल जर्म सेल जो प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन के साथ, वो फ्यूज करता है फीमेल के साथ जो कि प्रेजेंट होता है ओव्यूल में। फ्यूजन के कारण जो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑकर होता है, उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद वो न्यू प्लांट में कैपेबल हो जाता है ग्रो करने में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी जो है फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल जो है सीड में बन जाता है, ठीक है, और अदर पार्ट जो है उस पार्ट से निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। देखिए ये फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है, इसके ऊपर गया, जैसे पॉलन ग्रेन गया ये पॉलन ट्यूब बनाया, ये क्या है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है। ये पॉलन ट्यूब्स क्या करेगा, ये मेल जर्म सेल को कहाँ तक पहुँचाएगा, यहाँ तक है ना, यहाँ तक, यानी कि ये कहाँ तक, ओवरी तक पहुँचाएगा और उसके अंदर जाकर के वो एग सेल के साथ। तो यहाँ पे जो है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, वो आप बताइएगा क्यों होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एंटीपोडल्स होते हैं और सिनर्जिड्स आपको देखने को मिलते हैं और पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, है ना, और यहाँ पे एक एग सेल प्रेजेंट होता है और असल में इसको इसी से जाके मीट करना होता है। और एक जो है इस टू एंड स्ट्रक्चर वाले क्या करते हैं, जो क्या पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के कर जाता है रिएक्ट, तो क्या बनता है ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इसको आप लोग अच्छे से मुझे डिफाइन कीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको नीचे कमेंट्स में आपको मैं बता दूंगा, आप अगर मुझसे पूछते हो तो, ठीक है। चलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है फॉलोइंग चेंजेस आपको देखने को मिलता है। ओव्यूल जो है सीड कोड में चेंज हो जाएगा, ओवरी जो है फ्रूट बन जाएगी, पेटल सेपल स्टेमेन जो नॉन पार्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। सीड और उसके पार्ट्स, तो सीड एंड उसके पार्ट्स क्या क्या है देख लीजिए, तो कॉटिलीडॉन्स होते हैं, एम्ब्रियो कॉटिलीडन्स, एम्ब्रियो सेक्स जो कि फ्यूचर पेंडेंस, देखिए सीड्स है, सीड्स का ये जो पार्ट है ये कॉटिलीडॉन है, ये अंदर लिम्यूल है और यहाँ पे आपको रेडिकल देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग इनटू एम्ब्रियो इंप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर, उसको जर्मिनेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं जर्मिनेशन। अब चलिए ये समझ में आ गया, चलिए ये एनसीईआरटी का है बाय द वे, इसको एक बार एनसीईआरटी से भी जा करके पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है, ये वहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है। चलो सीड का स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, ह्यूमन क्या करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं, ह्यूमन जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज करते हैं। सेक्सुअल मैच्यूरेशन, जैसे पीरियड ऑफ लाइफ जैसे प्रोडक्शन शुरू होता है टीनेजर्स, उसमें क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल होता है, जैसे फीमेल में ओवा और मेल में स्पर्म बॉडी में बनने लगते हैं। द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्यूरेशन, उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, और प्यूबर्टी के दौरान कुछ कुछ कॉमन चेंजेस मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, जैसे हेयर ग्रोथ आर्मपिट पे, जेनेटिकल एरियाज पे है ना, स्किन जो है ऑयली बनना, पिंपल्स आ जाना, ये सारी है। गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज इनलार्ज होना है ना, मेंस्ट्रुएट होना शुरू होना, वॉइस में थिक ग्रो होना, हेयर का फेस पे वॉइस का क्रैक करना, या फिर ये सारी चेंजेस आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ द बॉयज, और ये सारी चेंजेस देखने को मिलता है इन द केस ऑफ द गर्ल्स है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट निकालते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है टेस्टिस, टेस्टिस का क्या, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट रहता है, स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर अंदर रहता है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर है ना,
देखिए ये देखिए ये टेस्टिस है ना, अभी थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर पार्ट, ये टेस्टिस, ये स्क्रॉटम है। स्क्रॉटम के अंदर ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का भी फॉर्मेशन होता है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। चलिए ओके, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है स्क्रॉटम और उसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? टेस्टिस, अपीयर ऑफ टेस्टिस, जिसमें 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो मेल जर्म सेल स्पर्म वही फॉर्म होता है और टेस्टिस सेक्स हार्मोन जो कि टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो भी रिलीज होता है। फंक्शन क्या क्या है? तो रेगुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म और ब्रिंग करता है चेंज जो भी आ रहा है प्यूबर्टी के दौरान, है ना। भास डिफेंस जो है पास करता है स्पर्म को यूरेथ्रा और यूरेथ्रा के द्वारा आप बाहर निकल जाता है ना। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है बोथ स्पर्म और यूनियन के लिए, ठीक है। ये पेनिस के थ्रू निकलता है, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड रहते हैं, जैसे कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहता है यहाँ पे, है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड रहता है, ऐसे सारे ग्लैंड वहाँ पे रहता है। सेमिनल वेसिकल उससे मिल करके बना हुआ रहता है, ठीक है। समझ में आया? सारे आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ये क्या? सेमिनल वेसिकल जो है और प्रोटेस्टेज ग्लैंड जो सेक्रेशन सीमेन का करते हैं स्पर्म के साथ फ्लूइड जो देता है वो नरिशमेंट देता है किसको? जो भी सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है वो स्लिपरी और फ्लूइड दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो सीमेन का पासेस इजीली हो सकता है। ये देखिए सेमिनल वेसिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों यहाँ पे दिया और ये फाइनली यहाँ से जाकर के निकल जाएगा। एक टाइम पे यूरिन या फिर एक टाइम पे स्पर्म दोनों से कुछ एक ही पास होगा, दोनों एक साथ नहीं पास होते। ये देखिए ये यूरेटर है, ये वास डिफेंस है जिसके थ्रू यहाँ से टेस्टिस से जो है स्पर्म होकर के जाता है, ठीक है। ये पेनिस है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम था। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते हैं द ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पॉलिनेशन बोलते हैं। अलॉन्ग द पाथ ऑफ वास डिफेंस द सेक्रेशन ऑफ व्हिच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो कौन सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। चलिए फ्रूट फाउंड फ्रॉम, फ्रूट बनता है ओविडी से, ओव्यूल से बनता है सीड, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है। अब जो है ये फोर्थ कैंसर आप दीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ कैंसर आप दीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव कुछ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इसका आंसर मुझे आप दे दीजिएगा, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल एग्जाम्पल वगैरह बताना है, ठीक है। आप इसका खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अगर इतना नहीं देना चाहो आंसर। चलो अभी इसका लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ये फीमेल थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, ये पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या है? ये ओवरी है, ये क्या है? यूटरस है, ये क्या है? सर्विक्स है, ये क्या है? वजाइना जहाँ से स्पर्म इंटर करेगा, और ये है फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडा जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, यहाँ से स्पर्म इंटर करता है सर्विक्स के थ्रू होते हुए जाता है, ठीक है। अभी आगे सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओवरीज होती हैं दो दो, ठीक है। ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं ओवम को, जब एक गन बॉर्न हो जाती है तब उसके साथ ऑलरेडी थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग होती है, प्यूबर्टी तक होते होते कुछ सारे स्टार्ट कर जाते हैं मैच्योरिंग, ठीक है। हर मंथ एक ओवरी से एक आपका जो है ओवा रिलीज होता है, ठीक है। फिर वो जो ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब तक आता है, ठीक है। अगर देखिए अगर वो क्या हो जाता है, वो फर्टिलाइज हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में क्या हो जाता है, शेड कर जाता है, ठीक है। चलिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जैसे स्पर्म इंटर कर गया वेजनल पास के थ्रू सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम पे फर्टिलाइजेशन वहाँ पे तुरंत हो जाता है, ट्रैवल अपवर्ड चला जाता है और जाकर के फाइनली ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हो उसमें जो है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है और जाकर के आपके इस वाले पार्ट्स में, यूटरस वाले पार्ट्स में वो इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन क्या है? फर्टिलाइज एग्स या जायगोट जो है लाइनिंग ऑफ यूटरस क्या कर जाता है, डिवाइड करना शुरू कर जाता है और उसी में अटैच कर जाता है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। गेस्टेशन क्या है? जो पीरियड है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पाश्चुरेशन यानी कि बर्थ तक, ये क्या होता है? 289 से 90 डेज तक का होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। प्रिपरेशन ऑफ यूटरस, अब जैसे ही आया फर्टिलाइजेशन होने से पहले जैसे ही हर महीने क्या होता है, प्रिपरेशन होता है यूटरस का, तो क्या होता है, यूटरस खुद को प्रिपेयर करता है हर मंथ टू रिसीव जो है नेचर एम्ब्रियो का ग्रो करने के लिए, ठीक है। वो ठीक हो जाता है, रिच कैपिलरी वगैरह हो जाता है। और याद रखिएगा यूटरस को बनाने का काम उन्हीं जो है लाइनिंग को वो कौन करता है, एक फीमेल हार्मोन होता है जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, तो ये काम प्रोजेस्टेरोन का। प्लासेंटा क्या? प्लासेंटा एक जो है वो क्या रहता है, कॉर्ड हो जाता है जो कि मदर से और ब्लड से और इम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है और उनके बीच में स्पेशल एक्सचेंज का काम यही करता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूट्राइन वॉल पे ये लगा हुआ रहता है। इसमें विलाई होता है जो कि इम्ब्रियो के टिश्यू के साइड में लगा होता है ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ईजी हो सके। मदर साइड ब्लड स्पेस में होता है अराउंड बिलीव, दिस इज प्रोवाइड द लार्ज सर्फेस एरिया, ये क्या करता है, लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है।
फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को देना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, है ना, डेवलप करना एम्ब्रियो को, जनरेट करना वेस्ट प्रोडक्ट, है ना, ट्रांसफरिंग मदर ब्लड से, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और पार्ट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है उसको समझते हैं। तो ये सब हो गया है, ये सब हो चुका है। ओके, मेंस्ट्रुएशन, पास्चुरेशन क्या होता है, चाइल्ड बॉर्न हो जाना, पास्चुरेटर है जिसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है भैया, तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होता है एक दो दिन तक, तो क्या होता है वहाँ तक तो एग रहता है एक दो दिन तक, फिर क्या होता है बाद में ओवरी रिलीज कर जाता है एग जो भी है, और फिर यूट्रस भी खुद को प्रिपेयर किया हुआ रहता है फर्टिलाइज एग्स को लेने के लिए। अब दोनों ही काम नहीं हुआ वहाँ पे, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ भैया, तो अब क्या होगा वहाँ पे, जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो रखे तो नहीं रहेगा वो गंदे एग को, तो क्या कहता है लाइनिंग जो है वो थिक स्पॉन्जी होने के कारण वो क्या कहता है बाद में शेड आउट हो जाता है वेजाइना के थ्रू, बाहर ब्लड के फॉर्म में आ जाता है। ये 2 से 8 डेज एवरी 21st डे में आपको देखने को मिलता है, इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। मेनार्क और मेनापॉज, मेनार्क जो है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, मेनापॉज जो है मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया। मेनार्क का टाइम 10 से 12 साल और मेनापॉज 45 से 50 साल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बात करें तो प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मेच्योरेशन ग्रेजुअल जो चेंज प्लेस रहता है उसमें जो है बॉडी में कुछ ग्रोथ्स आते हैं, तो आपको आप यहाँ पे क्या करना है सेक्सुअल एक्ट्स में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है और अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करना है सही रखना है ना, आपको STD से प्रिवेंट करना है, STI से, VD से प्रिवेंट करना है। प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल क्या रहता है, जैसे वो आते हैं टीनेज में तो वो जो है अपने क्या करते हैं प्रेशर रहते हैं अपने फ्रेंड्स के द्वारा फॉर पार्टिसिपेटिंग मेनी एक्टिविटीज वेदर वी रियली वॉन्ट और नॉट, है ना, फ्रेंड के प्रेशर से। प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड, है ना, स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, इसकी प्रेशर। प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीनेजर्स को भी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, और यंगस्टर को, टीनेजर को तो नहीं मैं बोलूँगा, यंगस्टर को जनरली फॉर्म जो है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। STDs, STIs और VDs क्या हैं स्टूडेंट, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं, तो क्या होता है अगर अच्छे से, अगर ये सारे वायरल और कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं, गनोरिया, सिफिलिस, ये सारे बैक्टीरिया से होते हैं, HIV/AIDS जो कि वायरस से होता है, ठीक है। प्रिवेंस का यूज़ कर सकते हैं कॉन्डोम्स का यूज़ करके, पेनिस पे लगा करके, ताकि वो इन्फेक्शन से बचाए, ठीक है। और यही जो है 100% इफेक्टिव होता है, अगर कोई भी इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। चलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रोल मेथड के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो देखिए बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। तो बैरियर के अंदर जैसे कॉन्डोम्स या फिर आप क्या यूज़ करते हो, दैट इज डायफ्राम कैप का यूज़ करके आप यहाँ पे क्या करते हो सेव कर लेते हो स्पर्म के और ओवा के मीट करने से, है ना, स्टोर हो जाता है। वेरस अगर आप बात करें केमिकल मेथड की, तो केमिकल मेथड में हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिंग एक्ट बाय चेंजिंग हॉर्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग जो है नहीं जो रिलीज हुआ है उसके साथ फर्टिलाइज ना करें। IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ किया जाता है ना, कॉपर टी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि वो टी शेप का रहता है और लगा करके आपको प्रिवेंट कर दिया जाता है। सर्जिकल मेथड के थ्रू क्या करता है वो से क्या करता है वैस्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी, जहाँ पे वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को इसमें काट दिया जाता है फीमेल में, है ना। अबॉर्शन, अबॉर्शन क्या, रिमूवल ऑफ अनडोमिनेटेड प्रेगनेंसी, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी MTP के द्वारा, तो उसको अबॉर्शन बोलते हैं। अबॉर्शन और फीमेल फर्टिसाइड क्या है, तो एबॉर्शन जो जनरली फीमेल में देखा जाता है ना, तो हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए फीमेल का होना बहुत ही जरूरी, ज़्यादा जरूरी है ना, फीमेल कम नहीं हो सकती, और अभी अच्छी खबर है कि अभी फीमेल की रेशियो ज़्यादा है, लेकिन दोनों का मेंटेन होना एक साथ जरूरी है, तो फीमेल फर्टिसाइड को रोकना चाहिए 100%, है ना। चलिए तो इसी के साथ पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसको प्रोविड कर दिया लॉ के द्वारा, अगर डॉक्टर इसको बताता है तो मिसयूज और स्कैनिंग के द्वारा अगर उसे बताता है, मिसयूज करता है पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तो उसको कड़ी सजा हो सकती है, ठीक है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह कि आप आंसर मुझे कहाँ दोगे आप मुझे दे देना, दैट इज कमेंट सेक्शन में। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वायरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तब बोलोगे कि कॉन्डोम्स, है ना, यहाँ पे ये लिख दोगे। एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट नरिशमेंट मदर, वो किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म टेक प्लेस इन, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, तो वो होता है भैया ओविडक्ट में, जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हो। प्रोसेस ऑफ रिलीज एग फ्रॉम द ओवरी उसको क्या बोलते हैं, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो वहाँ पे क्या हेपेटाइटिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, बाकी सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। आई होप इतना जो है आपको मैंने जितना भी आज बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन नहीं रही होगी इस पूरे चैप्टर में। तो आई होप आज मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आज आप इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के ही आओगे, ठीक है, फोड़ के ही आओगे। यहाँ पे मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, और क्योंकि आपने इस पूरे सेशन को देखा है और इन्जॉय किया इस सेक्शन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फटाक से,
केमिस्ट्री को पूरा वन शॉट में कवर कर देंगे उसमें, ठीक है, और फिर फिजिक्स का वन शॉट कर लेंगे, ठीक है, और उसी में ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी लेंगे साथ साथ, ताकि आपके कंसेप्ट और क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और वगैरह वगैरह आपको प्ले लिस्ट दी गई है चैनल पर, आप वहाँ से भी जा करके उसे डाउनलोड कीजिए, प्ले कीजिए, देखिए, मजे कीजिए, ठीक है, आराम से पढ़िए, एग्जाम दीजिए, प्रेशर नहीं लेना है, एंड गॉड ब्लेस यू।